नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम आपको बताने वाले हैं किडनी संक्रमण के कुछ खास कारणों के बारे में, साथ ही हम आपको इस बात की जानकारी भी देंगे कि आप इस समस्या से कैसे बच सकते हैं। मानव शरीर में किडनी का काम आपके रक्त को साफ करने का होता है। अगर आपका रक्त साफ नहीं होता तो इससे आपकी किडनी सहित बॉडी के कई अंग प्रभावित होते हैं, जिसमें आपका लिवर, आपका हार्ट, आपका बढ़ता वजन, आपका पाचन तंत्र और किडनी में स्टोन होना भी शामिल है। इन सभी दिक्कतों से दूर रहने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखें। किडनी में संक्रमण के कारणों के बारे में बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण बैक्टीरिया होता है। किडनी में इन्फेक्शन अक्सर तब होता है जब आपके शरीर में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर नहीं हो पाता। ये वापस आपकी किडनी में चला जाता है, जिससे ये पहले यूरिन में संक्रमण की समस्या बनाता है, इसके बाद किडनी में भी इन्फेक्शन बना देता है। किडनी में संक्रमण का एक और कारण है आपका यूरिन रोक कर रखना। जब आप यूरिन को रोक कर रखते हैं तो इससे आपके यूरिन में पनपने वाला बैक्टीरिया बॉडी से बाहर जाने की जगह वापस किडनी की तरफ चला जाता है। ये आपको किडनी संक्रमण का शिकार बनाता है। इसके साथ ही कम पानी पीना भी आपकी किडनी के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी का मतलब है आपके शरीर में यूरिन की मात्रा कम होना। इसके कारण आपकी बॉडी में जमा गंदगी आपके शरीर में ही रहती है और आपके रक्त में मिलकर आपकी बॉडी के बाकी अंगों को भी प्रभावित करती है। यूरिन में संक्रमण किसी भी तरीके से हो सकता है और इसका समय पर ध्यान न देना आपको किडनी संक्रमण का शिकार बनाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी किडनी संक्रमण के खतरे से दूर रहे। किडनी में संक्रमण के लिए आप आयुर्वेदिक उपचार अपना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी किडनी में कोई भी समस्या है तो इसको अनदेखा न करें, और अगर आप अपनी किडनी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज सबसे सुरक्षित है। आयुर्वेदिक इलाज में आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जो अपना काम पूरा प्राकृतिक तरीके से करता है। अगर आप किडनी के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा आपको पूरी तरह प्राकृतिक इलाज देता है, जिसका आपके शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता और आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की तकलीफों से दूर रहते हैं। अगर आप किडनी से जुड़ी किसी भी परेशानी में हैं और अच्छा और बेहतर उपाय चाहते हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है आपका? नारायण पाड़े। जब आया तो क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत ये थी, थोड़ा सा वही सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होता था और थोड़ा यूरिन में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, स्लोली हो रहा था। अभी थोड़ा चेंजेस हुआ है और यूरिन में भी चेंजेस हुआ है और बाकी सांस लेने में भी अच्छा, फिजिकल फिट हो गया हूँ और अभी बस कोई तकलीफ है ही नहीं, फिजिकल फिट हो गया।